हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी और देखिए ये कितना यम्मी दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही कम ऑयल में मैं इसे बनाऊंगी। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए पहले चिकन को हम ग्रेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दही 1 बे लीव्स, चिली पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तेल जनरली ऐड करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे तेल नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो तेल ऐड कर सकते हो। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप ऐड करके इसको मैरिनेट कर सकते हो। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए 30 मिनट छोड़ देंगे। मीनवाइल हम आलू को फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे चिकन में आलू यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आलू को स्किप कर सकते हो। तेल में थोड़ा सा नमक हल्दी डालेंगे, ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आलू को अच्छी तरह से छील के साफ कर लिया है मैंने, इस तरह काट लिया है। बहुत बड़ा बड़ा चिकन ग्रेवी में आलू रहता है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आलू को स्किप कर सकते हो। इसको हम ब्राउन कलर आने तक भुनेंगे। देखिए ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं। इसी तेल में ही खड़ा मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। लौंग, इलायची, बे लीव्स, दालचीनी और थोड़ा सा चीनी भी ऐड करेंगे कलर के लिए। जब ये गर्म हो जाए और कैरमल होना स्टार्ट हुए तभी प्याज ऐड कर लेंगे। मैंने रफली चॉप किया है प्याज को। और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डालने से प्याज जल्दी नरम हो जाता है। जनरली नॉनवेज जो चिकन हो, मटन हो, जो भी हो, वो मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी लगता है, पर आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है, आप जो तेल खाते हो वो यूज़ कीजिए। अभी मसाले के लिए जिंजर गार्लिक इन थोड़ा सा अनियन लिया है मैंने, इसको मैं पीस लूँगी और यही मसाला डाल देंगे। इसके साथ आप होल रेड चिली भी ऐड कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चिली का पाउडर ऐड करूँगी। बस कुछ नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ही ऐड करना है। मैं ग्रेवी बना रही हूँ इसलिए एक कांदा को पीस लिया है उसके साथ। थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर, आप चाहो तो ग्रीन चिली को जस्ट हाफ करके ऐड कर सकते हो। चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे और कुछ भी पाउडर मसाला यहाँ पे ऐड करना नहीं है, बस इसको मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है। इसका तेल जब तक छूटे तब तक के लिए इसको हम भूनेंगे। देखिए भून गया है। यहाँ पे चॉप टमाटो डालेंगे, आप चाहो तो टमाटो का प्यूरी भी डाल सकते हो, वो बहुत ही क्रीमी एक टेक्सचर देगा ग्रेवी को। यहाँ पे नमक जो ऐड कर रहे हैं हम होल ग्रेवी के लिए, मतलब टेस्ट के लिए नमक ऐड करना है। अभी नमक ऐड करने से जल्दी कुक हो जाता है। देखिए मसाला कुक हो गया है। अभी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो ऐड करेंगे। और इसको मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये चिकन ग्रेवी में आपको बस मसाला अच्छी तरह से भुनना है और चिकन के साथ मसाले को मिक्स करके अच्छी तरह से फ्राई करना है।
देखिए चिकन ऑलमोस्ट 50% कुक हो चुका है। अभी हमने जो आलू फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और थोड़ा सा रॉ अनियन डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है चिकन ग्रेवी में, एक अच्छा टेक्सचर भी देता है, तो इसलिए मैं रॉ अनियन भी डाल रही हूँ। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बस मसाले के साथ आलू चिकन सब अच्छी तरह से पक जाए इसलिए इसको ढक देंगे। आप देख सकते हो तेल छूटने लगा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% कुक हो चुका है। अभी हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लुकवार्म वाटर ऐड कर रही हूँ। पानी डाल के इसको ढक देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा, या फिर इसको ऐसे ही चिकन मसाला चिकन बना के खा सकते हो विदाउट ग्रेवी। देखिए हो गया है, मैंने पहले ही कोरिएंडर लीव्स को डाल दिया था। और अभी गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे जो कि बहुत अच्छा खुशबू देगा चिकन ग्रेवी को। बस हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसको प्लेट पर निकाल लेंगे। यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जितना चाहिए, मुझे जितना चाहिए थे मैंने उतना रखा है। और इसको एक कोरिएंडर लीव्स के साथ मैंने सजा लिया है। देखिए कितना खूबसूरत और कम ऑयल में बनने वाला चिकन ग्रेवी, आप इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।